अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्यूटियो फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जनाब, ईद के बाद मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, तो आज बच्चे गए हैं स्कूल और घर में बिल्कुल खामोशी है, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लिया जाए। और आप लोगों से एक चीज़ पूछनी थी कि मुझे बताइएगा कि मेरे फेस में थोड़ा सा कोई आपको चेंजिंग नज़र आई, क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो है ना वो वेट कम हुआ है। तो मुझे बताइएगा कि किसी को लगा भी है कि नहीं, क्योंकि मैंने जब वेट करवाया ना तो उसमें मुझे पता लगा कि थोड़ा सा मेरा कम हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इस खुशी से फिर ना 2-3 किलो बढ़ जाए। लेकिन अभी ये देखें, अभी ये डबल चिन मुझे आ रही है, ये मैंने ख़त्म करनी है, और काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर इंशाल्लाह हो जाएगा 1-2 महीने के अंदर अंदर। इतने अरसे की चर्बी चढ़ी है तो उसे उतरने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। तो बच्चे गए हुए हैं आज स्कूल, आज उनका फर्स्ट डे था, आज मंडे है, आज स्कूल गए हैं। तो मैंने सोचा कि उन्हें आप लोगों से बातचीत कर दी जाए, व्लॉग बना दिया जाए, स्टार्ट कर दिया व्लॉग। अब जैसे जैसे मैं सारा दिन जो जो करती रहूँगी फिर आपको दिखाऊँगी, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अभी मेरे घर का सारा जो काम है ना वो स्टिल ऐसे ही पड़ा है, सिर्फ किचन का जो मैंने नाश्ता बच्चों को बना के दिया है वो बनाया, किचन भी अभी समेटने वाला पड़ा है। तो साथ साथ मैं काम करती हूँ, फिर जैसे जैसे मुझे टाइम मिला मैं आपसे ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। तो सोफ़ा मैंने सेट कर लिया है और चटाई मैंने फिर दोबारा से अंदर बिछा ली है। ये देखें, मुझे ना इसके बगैर सुकून ही नहीं आता, मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे पाँव में मिट्टी फील हो रही है। और अभी बेड सही करना है, साफ़ करना है। आज मैंने विंडो ओपन की है, यहाँ से मैंने कहा थोड़ी सी ना धूप अंदर आए, क्योंकि रात को AC चलाते हैं ना तो थोड़ी सी नमी आ जाती है कमरे में, कमरे में ना थोड़ी सी हीट आनी चाहिए, उससे जो हमारे जरासीम वगैरह जो बनते हैं ना गर्मी की वजह से वो सब जो है ख़त्म हो जाते हैं। अभी यहाँ से भी सफाई करनी है, बच्चे सारी चीज़ें इसी तरह छोड़ जाते हैं। और ये देखें, ये मैंने हैंगिंग प्लांट बनाया था, ये मेरे पास एक पानी की बोतल थी जिसको मैंने काट के इस तरीके से उसको हैंग कर दिया यहाँ पर, और इसमें गुले दोपहरी लगाई है। और इतनी गर्मी है कि सुबह पानी देने के 2 घंटे के बाद ही सारा पानी जो है इसका देखें खुश्क हो चुका है। और ये दूसरा जो प्लांट है मेरे पास, ये मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया था आई थिंक, और ये जेत प्लांट था, इसका मैंने जो पॉट है वो सिर्फ चेंज किया है, बड़े गमले में इसको शिफ्ट किया है, क्योंकि इसको अब ज़्यादा जो थी वो जगह की ज़रूरत थी, तो वो पॉट छोटा था। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसकी एक टहनी ना मैंने मिट्टी के नीचे दबा दी थी तो वहाँ से भी उसका एक नया पौधा निकाला है। और ये वाली भी काफ़ी बड़ी टहनी है, मेरा दिल कर रहा है इसको भी ना मिट्टी के नीचे दबा दूँ ताकि इसकी भी जो है वो जड़ें निकालें मिट्टी में। और यहाँ मैंने एक स्टिक लगा दी है इसके साथ और उसको बांध दिया है ताकि जो इसका वेट है ना वो लकड़ी के ऊपर आ जाए। और दोपहर को इमरान ले आए फाल से, और जब कोई फ्रूट घर लेकर आते हैं तो सबसे पहले हम बुज़ुर्गों की न्याज देते हैं, तो इसके ऊपर इमरान ने पहले न्याज दी और फिर मैंने इसका बनाया फाल से का जूस, नमक, काला नमक और बर्फ़ डाल के उसमें पानी डाल दिया ब्लेंडर में सारा कुछ। और ये प्यारा सा गिलास जो है वो सिर्फ़ मेरा है। और जनाब, हमारा जो जूस था वो हो चुका था रेडी। और ये जो प्यारा सा गिलास था जूस का ना, ये मैंने बग़ैर चीनी के बनाया था, सिर्फ इसमें नमक डाला था और बाकी इमरान के जो जूस में ना मैंने चीनी भी डाल दी थी। मैंने आज बनाए हैं मेरे लिए कार्ड्स मदर डे के, और शाफे लेने गया हुआ, ले आओ, किधर गए हो? हेलो मामा। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये देखें जी, शाफे ने मदर्स डे के कार्ड बनाए हैं मेरे लिए, और देखते हैं क्या लिखा है। आई लव यू मॉम, थैंक यू सो मच टू द मॉम हु हैज़ हेल्प मी ब्लॉसम इनटू द पर्सन आई एम टुडे, थैंक यू माय स्वीट सन, हैप्पी मदर डे, थैंक यू सो मच। और ये वाला मेरा ख्याल है फिर उसने सही बनाया है, ये पहले बना के ट्राई किया होगा और ये वाला फिर सही बनाया है, ये भी ऐसा ही है, थैंक यू सो मच। तो बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं और वो इसको इसी तरीके से इंजॉय करते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरे बेटे ने अपनी माँ को याद रखा। और इमरान साहब देखें, फालसे खाने में मसरूफ़ है, और अभी मैंने इनको शरबत फालसे खा दिया है और फालसे खाने में मसरूफ़ हैं। साथ अब्दुल्ला को हम पढ़ा रहे हैं और अनाया की पढ़ाई देखें, हाथ में क्या है इसके रिमोट और साथ पढ़ाई कर रही है, वाह 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 वाह,
बहुत जो है ना इंटरेस्टिंग इसकी स्टडी होती है, रिमोट हाथ में होता है और फिर पढ़ाई हो रही होती है। ये वाला जो कार्ड है ये अब्दुल्ला ने बनाया है और शाफे ने स्कूल में उनकी एक्टिविटी हुई थी मदर्स डे पे तो उसने वहाँ बनाया था और शाफे अब्दुल्ला ने घर में बनाया है। देखिए माशाल्लाह इसका भी काफ़ी प्यारा बना है। ये इसने मामा के लिए बनाया है और ये बाबा के लिए बनाया है और बाबा के बीच में उसने फेस भी बना दिया है। भाई बाबा का फेस देखो और खोल के देखते हैं। अच्छा पीछे भी है, ये देखिए हैप्पी बाबा डे। चले बच्चे हैं, बच्चों की खुशी सर आँखों पर, उन्होंने बड़े प्यार से बनाया है तो थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। बच्चों को खाना दे दिया है मैंने और जो है ना बस यहीं पे ब्लॉग अपना जो है मैं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। छोटा सा ही ब्लॉग मैंने बनाया, बस सारा दिन की शेयरिंग आप लोगों से की है, ज़्यादा बहुत बड़ा कर लूँगी तो फिर जो है ना वो टाइम बहुत ज़्यादा उसका हो जाता है, इसलिए बस मैंने 3-4 मिनट की ही वीडियो जो है वो बनाई है। आई थिंक उससे ज़्यादा ना हो जाए, कंफर्म नहीं है अभी 3-4 मिनट की है या ज़्यादा की हो गई है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखा करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।